गुड मॉर्निंग. आज हमारा लेसन नंबर थर्ड है, जिसमें हम देखेंगे. लेसन नंबर थर्ड में ये टॉपिक है जबर, जेर और पेश. उससे पहले यहाँ पर ये फोर वॉवल्स थे, अलिफ मजबर, अलिफ वाव, अलिफ वाउल टपेश और अलिफ मजबर वाउल. तो ये हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे. अलिफ मजबरा तो इसका साउंड आ, अलिफ वाव ओ और अलिफ वाव पे अलिफ वाव उल्टा पेश यू का साउंड निकालते हैं. और अलिफ पर जब जबर होता है उसके आगे वाव होता है, जब वाव जबर आओ तो ये ए और यू ओ का साउंड निकालता है. तो अब हम आज के लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि जबर, जेर और पेश है. जबर क्या होता है? हमारे जो भी हुरूफ होता है अलिफ बा द, तो उसके ऊपर आता है. जब अलिफ के ऊपर आएगा तो आ, बे के ऊपर आएगा तो बा. इस तरीके से इसका आ का साउंड निकलता है जब भी वो किसी भी हरूफ के ऊपर आता है. सेकंड हमारा जेर है, ये हरूफ के नीचे आता है. अलिफ जेर ई, ये ई का साउंड निकालता है, मतलब आई की तरह. ई बे, बे के नीचे आएगा बे जेर बी, ते जेर ती, इस तरीके से. और जो ये हमारा पेश है, ये उ का साउंड निकालता है, अलिफ पेश उ, बे पेश बु, इस तरीके से. यहाँ पे देखेंगे कि ये अलिफ जबर अज, आ का साउंड है, दाल जबर दर. तो यहाँ पे ये मिलाकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जाएगा उसमें अलिफ पे जबर है और ये जा है, तो दोनों को मिलाकर ही पढ़ेंगे. और इसमें भी दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं. यहाँ पे क्या है, रा के नीचे जेर है तो रीदा. रा की आवाज जो है वो नीचे की साइड जा रही है, रीदा रीदा, इस तरीके से. अब यहाँ पे उर्दू लिखा है, तो अलिफ जब अलिफ पे पेश है तो ऊ का साउंड देना है यू के तरह से, उर्दू. यहाँ पे दुर. तो इन सब में जबर था, जेर था और पेश था. यहाँ पे देखेंगे कि अलिफ के ऊपर जितनी भी यहाँ पे अलामत लगी है, जैसे अलिफ मजबर आ, अलिफ जबर आ, तो इनका साउंड आ ही निकल रहा है जब अलिफ पर मद होगा और जबर होगा. अलिफ पे जेर है तो ई, अलिफ पे पेश है ऊ, अलिफ वाव है ओ और अलिफ वाव जबर ओ, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ जबर के, डर, दराज, जर, जरा, वर, रवा, ये सब जबर के एग्जाम्पल है. अभी आता है जज्म. जज्म क्या होता है? ये अल्फाजों को कनेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दर्द लिखा है, लेकिन दाल पे जबर है, रा पे जज्म आ रहा है, तो जिस हुरूफ पर जज्म होगा उससे पहले वाला हुरूफ उसमें मिलाएंगे. जिस हुरूफ पर जज्म होगा उससे पहले वाला हुरूफ उसमें मिलाएंगे. जैसे यहाँ पे रा के ऊपर है जज्म और यहाँ दाल पे जबर है, तो इस रा से पहले दाल है, तो दाल रा में क्या हो रहा है, मिल रहा है, दर्द. ऐसे यहाँ पे है दर्द, जर्द, वर्द. तो इसमें क्या है, इससे पहले जिस हुरूफ पे जज्म है उससे पहले वाला हुरूफ उसमें मिलकर पढ़ा जा रहा है. तो इसमें पेश, सॉरी, जबर, जेर, पेश और जज्म. लेसन नंबर थर्ड में यही टॉपिक्स थे. अब लेसन नंबर फोर. लेसन नंबर फोर में क्या है, जीम ग्रुप. जीम ग्रुप, जीम में ग्रुप है. इस लेसन का नाम जीम ग्रुप है. तो इसमें जीम के अलावा और ग्रुप है. तो इसमें चार ग्रुप है, जीम, चे, हे, खे. जीम में एक ही नुक्ता होता है, एक ही डॉट होता है, तो ये जीम है. और चे में तीन डॉट होते हैं और हे खाली होता है, खे पर एक डॉट होता है बाहर की साइड ऊपर. जीम, चे, हे, खे. जीम के जो साउंड है वो जा निकलता है, जे,